जिको प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है आए ऋतु राज तो बिसार सब काज कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती हंसा के जल बत जीवन को चेतन चाटा बदल गया सर, ड्राइवर के साथ भाग गई भाग गई जी भाग गई अरे कोई बात नहीं उसे तो बचपन से भागने का शौक है, है? सतमोला का कुछ भी पचा हर मस्ती और रंगीन विदमोला नमकीन बेटर है नथिंग सत्मोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल पनीर भुजिया भी कमाल इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सत्मोला नमकीन सत्मोला स्वीट्स और स्वीट नमकीन इससे बेटर है नथिंग हाँ सत्मोला नमकीन सीएम साहब हमारे तीस विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए हवाब सीएम नहीं रहे तो अब नया सीएम कौन बन रहा है चल सतमुला खाओ कुछ भी बचाओ कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है 16 साल से बड़े बड़े और ब्रह्मा इसमें शामिल होते काव्य ब्रह्मा जिनको मैं कह सकता हूँ तो आज हमारे बीच में काव्य क्षेत्र की बहुत एक जानी मानी शख्सियत जिनका नाम होता है महेंद्रजनबी अंतरराष्ट्रीय स्तर के हास्य कवि हैं वो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ बहुत ही मेरे परम मित्र हैं और निरंतर 16 साल से हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं जोरदार उनका स्वागत मैं आपको एक अलग तरह की कविता सुनाना चाहता हूँ जिस तरह की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं जिस तरह से आदमी आज मशीन की तरह से होता गया है उसको लेकर मैंने एक एक व्यंग कविता लिखी है मशीन और आदमी एक दिन मैं बाजार जाकर हुआ बहुत हैरान क्योंकि वहाँ खुल गई थी एक विचित्र सी दुकान दुकान पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था आइए आइए हमारी दुकान में आइए आदमियों के एक से बढ़कर एक कल पुर्जे ले जाइए आइए आइए हमारी दुकान में आइए आदमियों के एक से बढ़कर एक कल पुर्जे ले जाइए हमारे यहाँ आदमियों की सर्विसिंग डेंटिंग पेंटिंग और मरम्मत का काम बख्श तरीके से किया जाता है और अच्छो अच्छों का दिमाग भी दुरुस्त किया जाता है मैं दुकान के भीतर पहुंचा तो देख शहर के कई नामी गिरामी ने देखा कि कई नामी गिरामी नेता अपनी अपनी खोपड़ियां ठीक करवा रहे थे कुछ के तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ गया था इसलिए प्रदूषण जांच भी करवा रहे थे वहीं एक शोकेस में कुछ रेडीमेड खोपड़ियां रखी थी सभी पर रेट लिस्ट लगी थी लिखा था पत्रकार बुद्धिजीवी की खोपड़ी पाँच सौ रुपये साथ में कवि की खोपड़ी फ्री ना... पत्रकार बुद्धिजीवी की खोपड़ी पाँच सौ रुपये साथ में कवि की खोपड़ी फ्री इंजीनियर डॉक्टर की खोपड़ी पाँच हजार रुपये आई खोपड़ी दस हजार रुपये और नेताजी की खोपड़ी पाँच लाख रुपये मैंने कहा क्या नेताजी की खोपड़ी इतनी महंगी होती है वह बोला हाँ क्योंकि ये अनयूज होती है मैंने कहा क्या नेताजी की खोपड़ी सबसे महंगी होती है बोले हाँ क्योंकि ये अनयूज होती है और अगर कहीं यूज होती है तो मिसयूज होती है <laughs> मैंने कहा पर यार ये नेताजी की खोपड़ी तो बड़ी डरी डरी है दुकानदार बोला देखते नहीं हो इसके आगे चुनाव आयुक्त की खोपड़ी रखी आप तो ये खोपड़ी ले जाओ इसे लगवाने से कर्जा मांगने की हिम्मत आती है आदमी का स्वाभिमान नहीं गिरता है हमारा वित्त मंत्री इसी ब्रांड की खोपड़ी लगवाए पूरी दुनिया में फिरता है एक मैकेनिक ने जब एक छोटे से बच्चे के कंधे पर नट बोल्ट लगाए तो हम चकराए मैकेनिक बोला भाई साहब इन कंधों के स्पेयर्स को इन कंधों के स्पेर्स को बड़े बड़े शहरों के छोटे छोटे बच्चे लगवाते हैं और ये इतने मजबूत होते हैं कि 50 किलो तक का बस्ता आसानी से उठा के ले जाते हैं और ये इतने मजबूत होते हैं कि 50 किलो तक का बस्ता आसानी से उठा के ले जाते हैं और दोस्तों वहीं पड़ा था एक पेट जो कमर से चिपका था, था बड़ा अजीब सा मैकेनिक ने बताया ये पेट है एक गरीब का यह आज के ऊर्जा संकट में ईंधन की काफ़ी बचत करता है सिर्फ दो रोटी के सहारे चलता है सिर्फ दो रोटी के सहारे चलता है इसकी एवरेज भी अच्छी है दो रोटी में सौ किलोमीटर सर्दी गर्मी बरसात का इस पर कोई असर नहीं हो पाता है और चाहे बैटरी कितनी भी डाउन हो भाई साहब यह हाफ किक में ही स्टार्ट हो जाता है और कभी कभी तो रोटी ना मिलने और इन पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहता हूँ कभी कभी तो रोटी ना मिलने पर और भी चमत्कार दिखाता है यह बेचारा फाके के सहारे चल जाता है और हमारे यहाँ के नेता तो और भी गजब ढा रहे हैं पिछले सत्तर साल से इस गरीब के पेट को सिर्फ आश्वासनों के सहारे चला रहे अंत में वह दुकानदार मुझे एक अलमारी के पास लाया अलमारी में रखी थी कुछ छोटी छोटी शीशियाँ जिन पर चिपकी थी छोटी छोटी चिप्पियाँ दुकानदार बोला देखिए इस शीशी में ईमानदारी है ये एक कोने में पड़ी शिशक रही है इस शीशी में बेईमानी है यह रोज़ाना धड़ल्ले से बिक रही है और जिसका ख़त्म हो चुका जुनून है इस भक्ति में वो ठंडा पड़ चुका खून है इस शीशी में आंसू हैं जो आजकल आंखों में रहते नहीं हैं हो जाए कितना भी बड़ा हादसा आंखों से अब ये बहते नहीं हैं देशभक्ति संवेदनाओं और भावनाओं का ग्राहक तो ना जाने कहाँ खो गया है और दोस्तों प्यार मोहब्बत भाईचारा शीशियो में रखे रखे ये एक्सपायर और दोस्तों प्यार मोहब्बत भाईचारा शीशियों में रखे रखे ये एक्सपायर हो गया क्या करूँ जो भी ग्राहक आता है रिश्वत खोरी ले जाता है चोर बाजारी ले जाता है भ्रष्टाचार ले जाता है गद्दारी ले जाता है इन शीशियों पर ब्लैक चल रहा है बहुत बुरा हाल है बाजार में इनका अकाल है मैं तो चाहता हूँ मेरे पास एक ऐसा ग्राहक आए जो भावनाएँ ले जाए संवेदनाएँ ले जाए प्यार मोहब्बत भाईचारा ले जाए जितना भी पड़ा है सारे का सारा ले जाए लेकिन अपने आप को आदमी बनाए अपने आप को आदमी बनाए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संतोष कुमार पटेरिया जी को वे आए और मैं दो पंक्तियाँ मैं जरूर कहना चाहूँगा मैं अपने पिताजी की कव पंक्तियाँ बोल रहा हूँ मैं उजाला दीप काहूँ दीप बन तिल तिल जला हूँ मैं उजाला दीप काहूँ दीप बन तिल तिल जला हूँ आंधियों की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूँ अंधियार पी पी कर पला हूँ संतोष कुमार पटेरिया नमस्कार प्रतीकों के माध्यम से मैं गीत लिखता हूँ सुने कि हम किसे दोष दे रहे हैं और किसे दोष देना चाहिए समस्या ये है इस पर एक गीत प्रस्तुत करें प्रतीकों के माध्यम से जो हरी न देखता जो हरी न देखता रतन को हम क्या दे जोहरी न देखता रतन को हम क्या दे निर्माण जब अधूरा है भवन को हम क्या दो दे जोहरी न देखता जोहरी न देखता अक्षी पूछे के बोलते सहम के पर हैं पर हैं खोलते हवाएं जब कैद हवाएं जब कैद हैं पवन को हम क्या दोष निर्माण जब अधूरा है भवन को हम क्या दोष दे जो री न देखता जो है री न देखता नभ में चंद्र उदास है कोई तारा न पास है नभ में चंद्र उदास है कोई तारा न पास है कोई तारा न पास है सूरज जब बुखार में सूरज जब बुखार में तपन को हम क्या दोष दें जो हैरी निर्माण जो अधूर है भवन को हम क्या दोष दे जो हरी न देखता जो हरी न देखता जीवन बीता अर्चना में जीवन बीता याचना में जीवन बीताया चना में इष्ट ही जब सो गया इष्ट ही जब सो गया नमन को हम क्या दोष दें जो निर्माण जब अधूरा है भवन को हम क्या दे जो हैरी न देखता जो हरी न देखता जीवन बीता जोड़ने में अपनों से मुख मोड़ने में अपनों से मुख मोड़ने में मुर्दा हाथ पसारे है मुर्दा हाथ पसारे है कफन को हम क्या मुर्दा हाथ पसार है मुर्दा हाथ पसार है कफन को हम क्या दोस्त जब अधू वरिष्ठ कवि है पन्ना से आए हैं और काफी प्रतीक्षा में रहे मैं अक्षमा प्रार्थना के साथ उनका महा करता हूं पन्ना से पधारे संबोधयाल खरे विधाता ने जिसको विधाता ने जिसको सृजन दे माना विधाता जिसको सृजन दे माना रहाय बढ़ कर रहा को इमा जाना विधाता ने जिसको सृजन देवी माना रहाय से बढ़ कर नहा नहीं कोई जाना वही आज मैफिल की शोभा बनी है वही आज मैफिल शोभा बनी है कि नारी की पीड़ा न कितनी घनी है विधाता ने जिसको सृजन देवी माना विधाता ने जिसको सृजन देवी माना रहाई से बढ़कर कर को ही जाना वही आज मैं फिर की शोभा बनी है कि नारी की पीड़ा न कितनी घनी है सजाती सजा सजाती सदा से जो बगिया हमारी सजाती सदा से जो बगिया हमारी रही ओ जो भरती नकाया हमारी वही आज बेबस सी कैसी खड़ी है वही आज बेबस सी कैसी खड़ी है समाज को ये बेड़ी न पाँव पड़ी है सदा जुल्म सहती सदा जुल्म सहती मगर कुछ न कहती सदा जुल्म सहती मगर कुछ न कहती रही ना से घिरी वह न रहती मगर फिर क्यों आँखों से गंगा बही है मगर फिर क्यों आँखों से गंगा बही है ने अब तक नहीं जो सही है सदा जुल्म सहती मगर कुछ न कहती रही आतना से घिरी वह न रहती मगर फिर क्यों आँखों से गंगा बही है कि नारी अब तक नहीं जो गही है रही जो कभी देवी पूजित सी बनकर रही जो कभी देवी पूजित सि बनकर छिपी मातृ ममता न जिसमें सिमट कर रही जो कभी देवी पूजित सि बनकर छिपी मातृ ममता न जिसमें सिमट कर वही क्यों प्रदर्शन की मूरत बनी है वही क्यों प्रदर्शन की मूरत बनी है कि नारी की पीड़ा न कितनी घनी है खुदा की इनायत जो हम पर न होती भला कैसे तोहफे में नारी होती उसी की मेहर से ये तोहफा मिला है मगर ये इतनी फिर कैसे गिला है धन्यवाद साहब तो ये थे शंभु दयाल जी पन्ना से अब पन्ना से मैं एक और अपने कवि मित्र को बुला रहा हूँ जिनका नाम होता है सुशील खरे वैभव पन्ना से हैं वो भी बहुत अच्छे ओजस्वी है। कवि हैं ओजस्वी कवि कवी मैं उनका अब दो पंक्तियों के साथ उनका आमंत्रित कर रहा हूँ कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे अरे खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे गोली पे लायक ये संदर्भ है केजरीवाल के लिए <laughs> क्योंकि जब वो केजरीवाल जिससे जब से पे बैठा है आतंकवादी भी धर्मात्मा हो गए और कल मैं उसकी स्पीच सुन रहा था मोदी देशद्रोही है मोदी ब्लैकमेलर है मोदी भ्रष्टाचारी है मोदी पाकिस्तानी एजेंट है सो सो नहीं क्या तो खैर खेल रहे हैं फाग जो होली के लायक थे जो ना होली के लायक थे खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे अगर गद्दे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे मैं बुलाना चाहता हूँ सुशील कुमार वैभव पन्ना पत्नी बोली मायका है हमारा दौलतमंद टीवी टी बी सी यार मेरे पिता ने दिलाया है पत्नी बोली मायका है हमारा दौलतमंद टीवी टी बी सी यार मेरे पिता ने दिलाया है स्कूटर फर्नीचर जेवर और गहने सभी पिता ने दहेज दिया मायके से आया है पति बेचारा सुनता रहा पत्नी सुनाती रही उसी रात घर में एक चोर आया है बेचारा सुनता रहा रही उसी रात घर में एक चोर घुस आया है पत्नी बोली उठो चोर ले गया सामान सारा पत्नी बोली उठो चोर ले गया सामान सारा पति बोला मेरा नहीं तेरा बाप लाया है छोटी सी व्यंग रचना आप सबका आशीर्वाद से बात चाहेंगे यह कविता है उन्हें समर्पित किए जिन्होंने खूब घोटाले यह कविता है उन्हें समर्पित किए जिन्होंने खूब घोटाले करते लूट खसोट रहे जो खाए जिन्होंने पुलिया नाले ये कविता है उन्हें समर्पित किए जिन्होंने खूब घोटाले करते लूट खसोट रहे जो खाए जिन्होंने पुलिया नाले योजना ही लील गए जो हजम सभी ली नहीं डकार योजना ही लील गए जो हजम सभी ली नहीं डकार मांगी भीख विदेशों में जा नहीं दिया जो लिया उधार योजनाएं ही लील गए जो हजम सभी ली नहीं डकार मांगी फीक विदेशों ने विदेशों में जा नहीं दिया जो लिया उधार भ्रष्ट आचरण वाले नेता भ्रष्ट आचरण वाले नेता बने देश के पहरेदार पहुंचे कैसे ये संसद में कौन है इसका जिम्मेदार भ्रष्ट आचरण वाले नेता बने देश के पहरेदार पहुंचे कैसे ये संसद में कौन है इसका जिम्मेदार कुछ भी ठीक नहीं भारत में कैसे कहें इन्हें निर्दोष तो फिर दोषी अरे कौन है चलो मरे जनता पर दोष जन के सीने पर अब तक जन के सीने पर अब तक दलते आए भले ये दाल लेकिन मौका बार बार दे जनता करती रही कमाल जन के सीने पर अब तक दलते आए भले ये दाल लेकिन मौका बार बार दे जनता करती रही कमाल देश का बंटा धार भले हो मिलती अग्रिम इन्हें जमानत देश का बंटा धार भले हो मिलती अग्रिम इन्हें जमानत इन्हें देखकर कलम रो रही और हो रही कविता आहत आ, इन्हें देखकर कलम रो रही और हो रही कविता आहत सुशील कुमार वैभव जी की कविता बहुत अजस्वी थी और अब सतमौला कवियों की चौपाल में हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे और नए नए रचनाकारों के साथ तब तक लेते हैं खट्टी मीठी गोलियों को आनंद जितना जब सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई भाग गई जी भाग गई अरे कोई बात नहीं उसे तो बचपन से भागने का शौक है सतमोला का कुछ भी पचा हर पल मस्ती और रंगीवित सतमोला नमकीन बेटर है नथिंग सच नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल पनीर भुजिया भी कमाल इसके टेस्ट के सब शॉकिंग हाँ सच नमकीन सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन सीएम साहब हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए हबाब सीएम नहीं रहे तो अब नया सीएम कौन बन रहा है सतमुला कुछ भी बचाओ आपने खट्टी मीठी गोलियों का आनंद ले लिया होगा पनीर भुजिया का आनंद ले लिया होगा तो पनीर भुजिया का जब आनंद ले लिया खट्टी मीठी गोलियां आपके मुंह में रस घोल रही हैं, तो उस रस को दुगना करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं दिल्ली से हमारे बीच में पधारी उषा चित्रांशी जी को उषा चित्रांशी जी आए और अपनी कविता का प्रसाद सबको दें अश्क भरे हैं आँखों में धरती करे पुकार मैं धरती तेरी माँ ओ मैं धरती तेरी माँ अश्क भरे हैं आँखों में धरती करे पुकार का प्यासा धर्म को कौन है पर एक है माता धर्म अने को कौन है पर एक है माता हाथ जोड़ कर विनती करती आपस में कर लो प्यार मैं धरती तेरी माँ मेरी ही कोख से जन्मा श्री राम सा बेटा मेरी ही कोख से जन्मा जमी बन जाए रे जन्नत उसने देखा ये सपना उसके सपनों को आज तुम कर देना साकार मैं धरती तेरी माँ हो करती तेरी माँ इक बात कहती हूँ जरा गौर से सुनना एक बात कहती हूँ जरा गौर से सुनना ये मैं नहीं कहती बेदों का है ये कहना ये मैं नहीं कहती बेदों का है ये कहना ये हद से ज्यादा जुल्म बढ़ेगा डूबेगा संसार मैं धरती तेरी माँ हो मैं धरती तेरी माँ मैं धरती तेरी माँ ये थी उषा चित्रांशी जी निगम दिल्ली से अब मैं ऐसे एक अनूठे कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ गीत गज़ल में अच्छा नाम है वरिष्ठ कवि हैं और चाबी कहते हैं खुल जाए किस्मत की का ताला चाबी चाबी यानी कि आपके सफलता के द्वार खोलने के लिए सतमोला को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पौधारें पूरण चंद गुप्ता जी टीकमगढ़ से जा ज़ोरदार तालिंग अरे देखो बसंत आया देखो बसंत आया खिलने लगे चमन देखो बसंत आया खिलने लगे चमन ऋतुराज आ गए ले महके हुए सुमन ऋतुराज आ गए ले महके हुए सुमन कोयल किलोल करती कोयल किलोल करती अमुआ की डाल पर सरसों के फूल फूले हर से हुए से मन सरसों के फूल फूले हर से हुए से मन पतझड़ बने जो पेड़ है नई को खिली भों हुए जमा तो करने लगे रमन भों हुए जमा तो करने लगे रमन देखा उन्हें है जब से मेरे होश उड़ गए ये दिल ये दिल हुआ दीवाना बहने लॻी अगन यिल दीवान बहने लॻी अगन आज़ाद आशम है आज़ाद ये जहां आज़ाद जिंदगानी खलने लॻी चुभन लॻता हमे यी है बो आएगा यां मिट जाएगी वो उलफत मिट जाएगी वो उल फत हो जाएगा अमन जीना अगर तुम्हें है इंसान की तरह हर हाल गम भुला दो लग जाएगी लगन पूरन सुनो सुनाता था कहना न फिर कभी पर्यावरण सुधारो करके सभी जतन देखो बसंती आया खिलने लगे चमन एक चाबी जो हमारी एक नई विधा है अरे चाबी 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 शतमोला की चाबी हा चाबी 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 शतमोला की चाबी माता सूर्यम ठाकुर है कंपनी चाबी चाबी जमकर खाया खूब पचाया बनी स्वाद की चाबी कबियों की चौपाली चाबी कबियों की चौपाली चाबी जगदीश आर की चाबी न्यारी प्यारी चाबी ड्राई फ्रूट की चाबी हाँ, चाबी 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 सतमोला की चाबी और मुंदेली विधागो में प्रस्तुत करने जा रहे हैं सीताराम राय जी टीकमगढ़ से हमारे बीच पधारे हैं सरल जी वो आए अपने रचना का करें का खूब खाओ ना चिंता करियो सतमोला के घर में खूब खाओ ना चिंता करियो सतमोला के घर में पचा दे सब खाना सबरो नहीं ही पल भर में समय की मांग है सतमोला समय की मांग है सतमोला खाना खूब पचाए इनो मीनो, इनो मीनो भूल जाओगे देखत एक नज़र में इनो मीनो भूल जाओगे देखत एक नज़र में बुंदेली जहाँ बुंदेली स्वर घर घर गूंजे गूंजे राईल टेरा ये बुंदेले खंड है मेरा ये बुंदेलखंड है मेरा जहाँ बुंदेलीश्वर घर घर गूंजे गूंजे राईल तेरा ये बुंदेलखंड है मेरा ये बुंदेलखंड है मेरा नदी बेतिवा चरण पखारे सवेरे नदी बेतवा चरण पखारे संवेरे उर्धसान जमड़ार बहत है शिव शंकर के द्वारे शिव शंकर के द्वारे अरे से आके ओर छा अवधपुरी से आके ओर छा राम ने डाला डेरा ये बुंदेलखंड है मेरा ये बुंदेलखंड है मेरा बुंदेलखंड के व्यंजन <coughs> महुआ मेवा बेर कलेवा गुलगुट बड़ी मिठाई मऊआ मेवा बेर कलेवा गुलगुट बड़ी मिठाई लपटा लटा लुचई और लड़ुआ डुबरी तस्मई मन भाई डुबरी तस्मई मन भाई अरे मिर्चन मुर् का और सतुआ मिर्चन का और सतुआ संग हो नित्य सवेरा ये बुंदेले खंड है मेरा ये खंड है मेरा परमा दोज हर हरदम हो नित्य निराला परमा दोज दीवारी हर दम होवे नित्य निराला मस्ती में मन हरे मोनिया बन के बरे दी ग्वाला बन के बरे दी ग्वाला और नाच गावे गीत सुनावे बजबे ढोल मजीरा इन बुंदेलखंड है मेरा बुंदेले खंड है मेरा और अंदबन <coughs> बुंदेलखंड की धरा है पावन जहाँ बैठे राम रघुराई बुंदेल खंड की धरा है पावन जहाँ बैठे राम रघुराई आला उदल हर दौल बुंदेला रानी लक्ष्मी बाई रानी लक्ष्मी बाई और छत्र साल से वीर भय हैं छत्र साल से वीर भय है भाई ना कब हूँ अबेरा ये खंड है मेरा ये खंड है मेरा थे, बुंदेली अंदाज हमारे सीताराम राय सरल जी के और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वह हमारे साथ हमारे भाई फरीदाबाद से पधारे हैं श्याम मोहन पराशर जी एक गज़ल के साथ या ज़ोरदार ताल एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ कि कह नहीं सकता तमाशा देखता हूँ कह नहीं सकता तमाशा देखता हूं आपकी आंखों में क्या क्या देखता हूं आपकी आँखों में क्या क्या देखता हूँ मुश्किलों के दौर में भी चलता हूँ मैं मुश्किलों के दौर में भी चलता हूँ मैं वक्त हूँ मैं और ज़माना देखता हूँ वक्त हूँ मैं और ज़माना देखता हूँ आगे देखिए जो आजकल की जो माहौल चल रहा है सियासी उसी पे एक गज़ल है आपका तो चाहूँगा कि अफवाहों संग आग लगाना कोई उनसे सीखे अफवाहों संग आग लगाना कोई उनसे सीखे चिल्ल पोंक कर ढोंग जताना कोई उनसे सीखे चिल्ल पों कर ढोंग जताना कोई उनसे सीखे जीडीपी का क्या उसने सारा इतिहास पढ़ा है जीडीपी का क्या उसने सारा इतिहास पढ़ा है जो महंगाई को दूर भगाना कोई उनसे सीखे जो महंगाई को दूर भगाना कोई उनसे सीखे माना मुद्दा है अहम माना मुद्दा है अहम एन आर सी और सी ए माना मुद्दा है अहम एन आर सी और सी ए पर सड़कों पर उत्पात मचाना कोई उनसे सीखे पर सड़कों पर उत्पात मचाना कोई उनसे सीखे मर्ज़ बहुत बढ़ जाए तो फिर है इलाज ज़रूरी मर्ज़ बहुत बढ़ जाए तो फिर है इलाज ज़रूरी पर क्या उसकी डोज पिलाना पर क्या इसकी डोज पिलाना कोई उनसे सीखे पर क्या इसकी डोज पिलाना कोई उनसे सीखे सत्ता वंचित भूखे नंगों ने आफत फैलाई सत्ता वंचित भूखे नंगों ने आफत फैलाई अफवाहों से स्वांग रचाना कोई उनसे सीखे अफवाहों से स्वांग रचाना कोई उनसे सीखे एक मैं गज़ल और पेश करूँगा छोटी सी है दिल का गुलशन तेरी यादों से सजा रखा है दिल का गुलशन तेरी यादों से सजा रखा है तेरी खुशबू को ही सांसों में बसा रखा है तेरी खुशबू को ही सांसों में बसा रखा है यूँ तो दुनिया में हंसी और भी है लेकिन तेरे चेहरे को ही आँखों में बसा रखा है तेरे चेहरे को ही आंखों में बसा रखा है गुनगुनाया है तुझे दिल की हसी में फिल्म में तेरी चाहत को ही सीने से लगा रखा है तेरी चाहत को ही सीने से लगा रखा है जिंदगी तुझ से ही बनती है सवरती है मेरी तेरे जलवा ने तो क्या क्या न दिखा रखा है तेरे जलवा ने तो क्या क्या न दिखा रखा है पिन तेरे मेरा सफ़र कोई सफ़र ही कब था ये सफ़र तू नहीं आसान बना रखा है ये सफ़र तू नहीं आसान बना रखा है दिल का गुलशन तेरी यादों से सजा रखा है तेरी खुशबू को ही सांसों में बसा रखा है पिताजी मुझे सहस याद आ जाते हैं और जो पिताजी ने मुझे काव्य और संगीत की दीक्षा दी तो जहाँ मैं कार्यक्रम संचालन कर रहा हूँ होली परिवेश है तो बिना किसी भूमिका के जिससे कि जो मेरे आए हुए अग्रज हैं मेरे आत्मज हैं उनको भी पता चलेगी मैं भी कविता कर सकता हूँ तो सीधे सीधे शब्द पर ध्यान दीजिएगा होली होली के दो अर्थ हैं होली पर्व और होली यानी जो हो चुका बीत चुका सो बीत चुका तो फिर क्या है क्या कहना चाहता है कभी होली रे होली 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 रे होली आगे की कुछ सोच करो रे होली सो होली होली रे होली 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 सो होली आगे की कुछ सोच करो रे होली सो होली होली रे होली 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 रे होली नीला पीला क्या रंग डालो लाल रंग है भाया देखिए फागुन है और शाहीन बाग चालू है

झेल रही है गोली रही हो ली, हो ली रे होली होली हो रे होली 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 रे होली आगे की कुछ सांच करो रे होली सो होली होली रे होली होली कविता गीत बड़ा लंबा है मैं मुझे भी उसमें एक दस्तक देनी थी इसलिए मैंने एक मुखड़ा और बंद सुनाया अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वो मेरी अपनी बिटिया है बेटी है मेरी अपनी प्यारी बेटी है उस बेटी का नाम है रजनी अवनी रजनी अवनी बहुत ही प्यारी कविताएँ है करती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप छा चुकी हैं मैं तो उसको अपने घर की बेटी बोलता हूं। बोलता हूँ चाहे अंतर्राष्ट्रीय छटा वो बखेर रही हो बहुत अच्छी कविताएँ करती है और उनकी कविताओं में एक बेटी का दर्द भी है एक माँ का दर्द भी है एक बहन का भी एक दर्द है वो किस प्रकार नारी के विविध रूपों की विवेचना करती है तो आइए सुनते हैं रजनी अवनी को खुद उनके मुँह से फागुन रे फागुन आयो फागुन आयो सबके मन को भायो फागुन आयो फागुन आयो सबके मन को भायो होली पे सब मिलजुल खेले देख के मन हर सायो होली पे सब मिलजुल खेले देख के मन आयो मीत प्रीत के गीत सुना दे मीत प्रीत के गीत सुना दे मन लल चायो रे कि फागुन आयो आयो रे फागुन झूम के आयो रे फागुन आयो आयो रे फागुन झूम के, के आयो रे और फागुन में प्रकृति क्या कहती है कि टेसु फूल खिले उपवन में सरसों भी लहराए टेसु फूल खिले उपवन में सरसों भी लहराए भवरे अपने धुन में गाए कलियां सुन शर्माए भवरे अपने धुन में गाएं कलियां सुन, सुन मुस्काए प्रियतम के सुने गालो पे प्रियतम के सुने गालों पर रंग चढ़ आयो रे के फागुन के फागुन किफागुन के आयो आयो रे फागुन झूम के आयो रे फागुन आयो आयो रे फागुन झूम के आयो रे कैसी महिमा रची प्रभु ने कैसा शुभ दिन आयो कैसी महिमा रची प्रभु ने कैसा शुभ दिन आयो होली कजल गई पहला दू बच गए हिरणा कुछ पछतायो होली कजल गई पहला दू बच गए हिरणा कुछ पछतायो तीज त्योहारों में ही अनेको तीज त्योहारों में ही अनेको रूप समायो रे कि फागुन आयो आयो रे फागुन झूम के आयो रे कि फागुन आयो आयोरे फागुन आयोरे फागुन आयो रे फागुन झूम के फागुन आयो आयो रे और होली ब्रज की होली के क्या कहने ब्रज की होली आपके सभी के बीच रखती हूं कि ब्रजवासी सब खेल रहे हैं कान्हा संग हुरियारी ब्रजवासी सब खेल रहे हैं कान्हा संग हुरियारी राधा की भीगी चोली छब लागे यतिन निराली राधा की भीगी चोली छब लागे यति निराली देख के चंचल नैन सरसिया देख के चंचल नैन सरसिया जो शर्मा रे फागुन आयो आयो रे फागुन झूम के आयो रे फागुन आयो आयो रे फागुन झूम के आयो रे और ये होली क्या संदेश देती है आप सभी के पीछे रखती हूँ द्वेष भाव सब भूल गले मिल खेलो प्रेम की होली द्वेष भाव सब भूल गले मिल खेलो प्रेम की होली उन बातों पर कैसी चिंता होनी थी जो होली उन बातों पर कैसी चिंता होनी थी जो होली मन से मन का बैर निकालो मन से मन का बैर खुशी ने समा सजायो रे किफागुन किफागुन कि फागुन आयो आयो रे फागुन के आयो रे कि फागुन आयो आयो रे फागुन झूम के आयो रे कि फागुन आयो आयो रे फागुन झूम के आयो रे तो ये था हमारा सतमोला कवि चौपाल का एपिसोड आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा आप हमारे एपिसोड से जुड़ना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए नवांकुर हैं कोई बात नहीं हम आपको मंच देंगे हम आपको इस क्षेत्र में हो रही धोखाधड़ी से बचाएंगे आप हमारे साथ जुड़िए हमारे काव्य अनुष्ठान यज्ञ से जुड़िए आपका छोटा सा अंशदान इस कार्यक्रम की संजीवनी है हम आपको संरक्षित करें और आप हमें सहयोग दें ये इस कार्यक्रम की सहभागिता की प्रणाली है तो आप हमसे जुड़े नवांकुर कवि मित्र नाइन सेवन वन 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 एट टू वन एट थ्री स्क्रॉल पर चल रहा है नंबर मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा नाइन सेवन ट्रिपल वन एट टू वन एट थ्री पर आप हमसे संपर्क करें आप हमारे आजीवन सदस्य बन सकते हैं अगले अगले रविवार फिर ज्येष्ठ शीर्षस्थ कवि मित्रों के साथ नवांकुरों के साथ फिर हम हमारी सतमौला कवियों की चौपाल सजेगी तब तक के लिए करें प्रतीक्षा सतमौला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ उनको नमन करता हूँ प्रवीण आर्य जी का ये जो प्रयास सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है मैं इसका एक साक्षी हूं नव नवंक, अंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है बहुत ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ वीरस के कवि थे हास्य रस के कवि थे श्रृंगार रस के कवि थे, थे और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनकी लिए बड़े आदरपूर्वक आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है आप नव अंकुर कवि हैं परंतु आप हमेशा नवंकर नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों का को इतना उदात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो ऐसा मेरा आपसे आग्रह है ऐसा मेरा आपसे निवेदन है आप में प्रतिभा है आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और मैं आपके बीच में रहा जितना समय भी रहा मुझे बहुत आनंद आया मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ मैं आपको बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ आपको बहुत साधुवाद देता हूँ बहुत धन्यवाद आप सभी का अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नाम नामक ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है बल्कि यहाँ पर नवांकुर नए नए कवि नए नए कवयत्रियाँ कवे, कवे, इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं जो सारे संसार के अंदर जाता है तो ये बहुत बड़ा मंच है एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है तो इसलिए आप सभी लोग ए, इस कार्यक्रम से जुड़े नए नए बच्चे यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगेगा हमारा आशीर्वाद इस पूरी पूरी संस्था के लिए है सतमोला गौर योगी चौपाल के लिए है और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है बहुत प्यार है आप सब आए इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई भाग गई जी भाग गई अरे कोई बात नहीं उसे तो बचपन से भागने का शौक है सतमोला का कुछ भी पचा हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन इससे बेहतर है नथिंग सतमोला नमकीन टेस्ट है बेमिसाल पनीर भुजिया भी कमाल इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन हाँ सीएम साहब हमारे तीस विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए अब सीएम नहीं रहे सत्मोला। तो अब नया हम कौन बन रहा है चल सतमुला खाओ कुछ भी बचाओ